नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन प्रशासन को, विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन को, जनता की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और प्रशासनिक सुविधाओं का सदैव एक अनुकूल प्रबंधन जनपद के पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध कराना उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। और पूर्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए जाते रहे हैं कि वे जातिगत, दलगत, राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार के पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन के लिए अन्य जिम्मेदार अधिकारी स्वयं को सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने को विवश दिख रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इसके हेतु अपना विरोध व्यक्त करते हुए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना विरोध पत्र आपके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और निश्चित समय सीमा में यहाँ की बदहाली और हाल ही में सोराओं के यूसुफपुर में हुई घटना के खुलासे एवं अन्य प्रशासनिक विफलता को समाप्त करने की मांग करते हैं। जैसा कि हमारे कार्यकर्ता तारे त्रिपाठी है, उनके ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ, सहयोग था कि बम नहीं फटा, वो भी देखना है सर, खुशी का मांग करते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम सभी कांग्रेस जन अपने नेताओं सहित जनपद की पुलिस प्रशासन आदि के विरोध में एक लंबी और सतत चलने वाली संघर्षपूर्ण रणनीति के लिए विवश हो जाएंगे और उन परिस्थितियों में संपूर्ण दायित्व स्थानीय प्रशासन का होगा। आपसे प्रार्थना है, हमारी आपसे मांग प्रार्थना है, राज्यपाल महोदय से हमारी आपसे मांग है कि ऊपर लिखे सोराम को यूसुफपुर गांव की घटना पर अब तक हुई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का निवेदन है तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर आज जनपद इलाहाबाद के समस्त कांग्रेसियों ने यहां पर धरना दिया है और मांग किया है कि अविलंब इस घटना की खुलासा किया जाए और अगर नहीं खुलासा होगा तो मात्र केवल इलाहाबाद के कांग्रेसी साथी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के समस्त कांग्रेसी जन इस घटना के खुलासे के लिए और न्याय के लिए विजय शंकर तिवारी के परिवार और कांझा और कुंड को न्याय दिलाने के लिए जितना भी बड़ा आंदोलन करना होगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी करेगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में, क्योंकि प्रियंका जी पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां कहीं जुल्म जाती हो रही है उस पर पैनी निगाह है, वो स्वयं भी जाती हैं, हम लोगों को निर्देश भी कर रही हैं और उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इस सोराव यूसुफपुर की घटना को जिसमें 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई है इसको बहुत गंभीरता से लिया है और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहूँगा बिना किसी लचीले व्यवहार के इसको तत्काल इस पर कार्रवाई हो और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन इलाहाबाद से होगा। इसी मांग को करने के लिए हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाई रामकिशन पटेल जी, जो गंगा पार की बिगड़ चुकी है जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, कानून व्यवस्था बिगड़ ही नहीं चुकी है, इसमें गुंडे और माफिया के लोग बिल्कुल बेखौफ हैं, जनता खौफ में रहती है और गुंडे बेखौफ हो गए हैं, साफ साफ दिखाई पड़ता है। लखनऊ में चाहे किसी वकील की हत्या हो, चाहे आपके एक व्यापारी की हत्या हो, चाहे नाबालिग कुंज और कान्हा जैसे 3 वर्ष के बच्चों की हत्या हो जाना, ये साबित करता है कि जो मारने वाले हैं या तो सरकार का संरक्षण है और या तो प्रशासन को सरकार चलाना नहीं आता है, और अगर हमारे शरीर की और संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती कोई सरकार तो हमारे मौलिक अधिकार में है कि अनुच्छेद 21 में कि हमारे प्राण और दैहिक की सुरक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है और आज जीवन सुरक्षित नहीं है, हम जीवन सुरक्षित करने के लिए हम मांग करते हैं कि प्रशासन इसको गंभीरता से ले। मैं सुशील पासी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और हमारे साथ हैं नफीस जी जो शहर के अध्यक्ष हैं और रामकिशन पटेल जी जो हमारे गंगा पार जिला अध्यक्ष हैं। गांव में 5 लोगों की मिशन से हत्या हो गई, अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं। इसके अलावा पूरे जनपद में
हमारे एक कार्यकर्ता दत्तात्रेय त्रिपाठी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, अभी उनके अपराधियों का भी खुलासा नहीं हुआ। यहाँ सनाउल्ला खान अधिवक्ता की हत्या हुई, फूलपुर में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, हत्या हुई। इस प्रकार से तमाम जो अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और ये पांच लोगों के निशंस हत्या इसका भी खुलासा नहीं हो सका, इससे ऐसा लगता है कि हम सब असुरक्षित हैं और जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त है, जिसको दूर करने के लिए अपराधियों को पकड़ा जाना, जल्दी मामलों का खुलासा किया जाना, अपराधियों को जेल भेजा जाना नितांत आवश्यक है। अभी तक हो नहीं सका और इसी के लिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपराधियों को अच्छी से पकड़ा जाए और जनता के बीच में व्याप्त असुरक्षा की भावना दूर हो सके, जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। रामकिशन सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष गंगापार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। गंभीर और संवेदना से युक्त रही है। पूर्व में देश की स्वाधीनता के संग्राम के संघर्ष में अग्रणी रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को स्वाधीनता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी अपने अच्छे राजनीतिक सहयोगियों आदि सहित प्रयागराज जनपद की हर संभव समस्याओं और उसके समाधान के लिए पिछले दिनों सोराव तहसील के गांव यूसुफपुर में दिनांक 5 जून और स्थानीय प्रशासन की शिथिलता और संवेदनहीनता की वजह से एक परिवार की 5 लोगों की हत्या हो गई और उस हत्या का अभी तक स्थानीय दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कानून व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डीएम सीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लूट हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लूट बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऑफिशियल हो भाई आप। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिले में हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिले में हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिले में हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। में आओ, में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था देना सके जो सरकार निकम्मी है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।